हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल साइकोलॉजी वर्ल्ड। सो फ्रेंड्स, हम यहाँ बात कर रहे हैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की, और इसमें हम साइकोलॉजी में हम यूनिट फर्स्ट यूनिट हम अभी देख रहे हैं इमर्जेंस ऑफ साइकोलॉजी। इसमें हमने कई कुछ टॉपिक्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं, लाइक भगवद गीता, बुद्धिज्म, सूफिज्म एंड इंटीग्रल योगा। सो आज का हमारा टॉपिक है एकेडमिक साइकोलॉजी इन इंडिया, प्री इंडिपेंडेंट एरा एंड पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा। इसके ही अंडर में हम ये सारे टॉपिक्स को भी हम देख लेंगे, लाइक 1970s, 1980s, एंड 2000s। सो इन टॉपिक्स को भी हम इसमें कवर करेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, एकेडमिक साइकोलॉजी इन इंडिया। ये दो पार्ट में है, प्री इंडिपेंडेंट एरा एंड पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा। मीन्स साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट के रूप में, एक शैक्षिक सब्जेक्ट के रूप में, एक एकेडमिक सब्जेक्ट के रूप में इंडिया में कब आया, कब से ये पढ़ाया जाने लगा, उसके बारे में ही हम बात करेंगे। हमारे इंडिपेंडेंस से पहले इसकी क्या, भारत में इसकी क्या कंडीशन थी, और इंडिपेंडेंस के बाद इसमें क्या बदलाव आया या फिर क्या चीज़ें ऐड ऑन हुई, वो टॉपिक्स, ये सारी चीज़ें भी हम इसमें देखेंगे। सो हम सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता दूँ कि बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं इविंग हॉस। उन्होंने कहा है कि मनोविज्ञान का इतिहास बहुत छोटा है, बट इसका अतीत बहुत लंबा है। मीन्स अगर हम बात करें कि ये एज अ सब्जेक्ट इंडिया में कब आया, तो उसकी हिस्ट्री हमें 1905 से देखने को मिलती है। बट अगर हम इसके अतीत की बात करें, साइकोलॉजी के अतीत की बात करें, तो हमने पहले भी अपने प्रीवियस वीडियोस में देखा हुआ है कि भगवद गीता, बुद्धिज़्म, सूफिज़्म, इंटीग्रल योगा, इन सब में भी इंडियन साइकोलॉजी के बारे में ही डिटेल में बताया गया है, जो कि आज के वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट जिन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, वे चीज़ें हमारे साइकोलॉजी, हमारे इंडियन साइकोलॉजी में बहुत पहले ही आ चुकी हैं, बताई गई हैं। सो हम आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। सो हम देखते हैं कि भारतीय मनोविज्ञान का आधुनिक काल कब से स्टार्ट होता है। 1905 से स्टार्ट होता है। कहाँ से? कलकत्ता विश्वविद्यालय से। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि यहाँ पे भी मनोविज्ञान का आधुनिक काल दर्शन शास्त्र विभाग, फिलॉसफी डिपार्टमेंट के अंतर्गत ही मनोविज्ञान की भी पढ़ाई कराई जाती थी। लेकिन इसके 11 साल के बाद, मीन्स 1916 में, ये मनोविज्ञान का, साइकोलॉजी का पहला डिपार्टमेंट जो है वो स्थापित किया गया कलकत्ता यूनिवर्सिटी में ही। सो हमने यहाँ पे देखा कि भारतीय मनोविज्ञान का जो आधुनिक काल है, मीन्स साइकोलॉजी में हमारे इंडियन साइकोलॉजिस्ट की का जो इंटरेस्ट है, वो 1905 में आया। लेकिन तब तक इसे एक फिलॉसफी के ही एक सब सब्जेक्ट के रूप में, एक सब टॉपिक के रूप में साइकोलॉजी को फिलॉसफी के अंतर्गत ही पढ़ाया जाता था। इसके लिए फिलॉसफी डिपार्टमेंट के अंतर्गत ही इसके लिए एक लेबोरेटरी बनाई गई थी कलकत्ता यूनिवर्सिटी में। किसने बनाया था? प्रोफेसर बजेंद्रनाथ सील ने बनाया था। लेकिन 1905 के 11 साल के बाद, मीन्स 1916 में, प्रोफेसर एन सेन गुप्ता, इन्होंने साइकोलॉजी का पहला डिपार्टमेंट बनाया, अलग डिपार्टमेंट जो कि फिलॉसफी के अंडर में नहीं था, ये साइकोलॉजी का एक अलग डिपार्टमेंट था। और अप्लाइड मनोविज्ञान विभाग कब स्थापित किया गया? एन सेन गुप्ता के द्वारा ही ये 1938 में स्थापित किया गया, अप्लाइड साइकोलॉजी डिपार्टमेंट। आगे हम देख लेते हैं फ्रेंड्स, आपके लिए ये डेट थोड़ा सा जानना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम यहाँ पे इंडिया में साइकोलॉजी किस तरह स्टार्ट हुई, वो चीज़ें हम देख रहे हैं। 1905 में साइकोलॉजी डिपार्टमेंट को बनाने का बेस बन चुका था, और 1916 में साइकोलॉजी जो है वो एक अलग सब्जेक्ट के रूप में ये स्थापित हो गया, पढ़ाया जाने लगा, और इसकी अलग लेबोरेटरी भी बनाई गई। आगे हम देख लेते हैं, कलकत्ता विश्वविद्यालय में आधुनिक प्रायोगिक मनोविज्ञान का प्रारंभ भारतीय मनोवैज्ञानिक प्रोफेसर एन सेन गुप्ता, जो कि वुंट की प्रायोगिक परंपरा में अमेरिका में प्रशिक्षण प्राप्त थे, से प्रभावित है। मीन्स कलकत्ता यूनिवर्सिटी में, जिन्होंने एन सेन गुप्ता ने कलकत्ता यूनिवर्सिटी में पहला मनोविज्ञान विभाग, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट स्थापित किया, एस्टैब्लिश किया, और ये प्रोफेसर एन सेन गुप्ता जो थे वो अमेरिका से पढ़कर आए थे, और अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट वुंट की जो साइकोलॉजी थी, वुंट के जो थॉट्स थे, उनसे ये बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। तो इन्होंने, इनकी साइकोलॉजी में भी हमें वुंट के प्रभाव दिखाई देते हैं। आगे हम देखते हैं, धीरे धीरे इसी तरह से ये डेवलपमेंट होता रहा।
एक और यहाँ पे फेमस प्रोफेसर का नाम है, प्रोफेसर गिरीन्द्र शेखर बोस। ये भी कलकत्ता से ही थे और कोलकाता यूनिवर्सिटी से ही थे। इनकी साइकोलॉजी में हमें फ्रायड की झलक मिलती है। इन्होंने क्या किया कि फ्रायड पर बहुत ज़्यादा इन्होंने रिसर्च किया था और इन्होंने फ्रायड की कई सारी बातों को एक्सेप्ट किया था, उनकी थ्योरी को इन्होंने एक्सेप्ट किया था, जो कि हमें इनकी आगे लिखी हुई इनकी बुक्स में भी हमें देखने को मिलता है। और इन्होंने भारत का पहला इंडियन साइको एनालिटिकल एसोसिएशन को स्थापित किया। फ्रेंड्स, ये कब स्थापित किया, यहाँ पे डेट में थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है, क्योंकि अगर हम गूगल पे सर्च करते हैं तो ये इंडियन साइको एनालिटिकल एसोसिएशन की स्थापना का जो ईयर है वो हमें 1922 दिखता है, लेकिन जब हम बुक्स में देखते हैं, लाइक अगर हम अरुण कुमार सिंह की बुक में देखते हैं, तो ये डेट हमें 1924 में दिखता है। सो इसलिए मैंने यहाँ पे ये दोनों ही डेट्स मैंने इंक्लूड कर दिए हैं। आप भी अपने लेवल से, आप अपने एफर्ट से, आप भी इसको सर्च कर सकते हैं कि ये दोनों में से कौन ज़्यादा साइंटिफिक है। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रोफेसर गिरीन्द्र शेखर बोस, ये इंडिया के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनको कि साइकोलॉजी में जिन्होंने पीएचडी करी थी, और ये फ्रायड से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। आगे हम देख लेते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी से ही हुई थी साइकोलॉजी की। इसके बाद धीरे धीरे इसमें बहुत सारे और भी साइकोलॉजिस्ट आए, उन्होंने भी अपने विचार रखे और साइकोलॉजी जो है वो भारत में धीरे धीरे फैलने लगा। कलकत्ता यूनिवर्सिटी के बाद मैसूर यूनिवर्सिटी और पटना यूनिवर्सिटी में भी इसके अलग अलग लैब खोले गए और वहाँ पे भी इसको पढ़ाया जाने लगा। अभी अगर हम वर्तमान की बात करें, प्रेजेंट टाइम में इंडिया के 70 यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी के कोर्सेज, साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन, मास्टर्स, पोस्ट ग्रेजुएशन या काउंसलिंग प्रोग्राम्स, ये सारी चीज़ें चलाई जा रही हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि प्रेजेंट टाइम में साइकोलॉजी बहुत लगभग पूरी इंडिया में ये अपनी जड़ें मजबूत कर चुका है, ये फैल चुका है। आगे हम देखते हैं, यहाँ पे एक और नेम आया है, दुर्गानंद सिन्हा। इन्होंने एक बुक लिखी है, इनकी बुक का नाम है साइकोलॉजी इन अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री, द इंडियन एक्सपीरियंस। ये बुक कब लिखी गई, 1986 में लिखी गई। इसमें इन्होंने भारत में आधुनिक मनोविज्ञान की हिस्ट्री को 4 स्टेजेस में बताया है। यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे प्री इंडिपेंडेंट एरा और पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा, ये दोनों टॉपिक्स को हम साथ में लेकर चल रहे हैं। अब तक हमने जो देखा वो प्री इंडिपेंडेंट एरा में आता है। मैं एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले 1905 में फिलोसफी के ही एक टॉपिक के रूप में साइकोलॉजी की प्रयोगशाला या साइकोलॉजी का लैब स्थापित किया गया प्रोफेसर बजेंद्रनाथ सील के द्वारा कलकत्ता यूनिवर्सिटी में। उसके 11 साल के बाद 1916 में साइकोलॉजी को फिलॉसफी से अलग कर दिया गया और साइकोलॉजी की अलग डिपार्टमेंट की स्थापना हुई कलकत्ता यूनिवर्सिटी में। किसके द्वारा हुई, एन एन सेन गुप्ता के द्वारा हुई। इसके बाद हम देख लेते हैं कि जो डॉक्टर एन एन सेन गुप्ता थे, उनके साइकोलॉजी में हमें वुंड के प्रभाव दिखते हैं। एक और नाम आया है, प्रोफेसर गिरीन्द्र शेखर बोस। ये इंडिया के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने साइकोलॉजी में पीएचडी करा था, और इन्होंने ही इंडियन साइको एनालिटिकल एसोसिएशन की स्थापना की थी। कब की थी, गूगल के अकॉर्डिंग 1922 में, और अरुण कुमार सिंह की बुक के अकॉर्डिंग में 1924 में। इसके बाद में मैसूर यूनिवर्सिटी और पटना यूनिवर्सिटी में भी साइकोलॉजी के डिपार्टमेंट्स खोले गए और अलग अलग प्रोग्राम इसके चलाए गए। आगे हम देख लेते हैं कि दुर्गानंद सिन्हा ने इसकी स्टडी की कि भारत में साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट किस तरह से ये डेवलप्ड हुआ। तो इसको इन्होंने 4 स्टेजेस में बताया है। पहला स्टेज है 1947 तक भारत में मनोविज्ञान, मीन्स प्री इंडिपेंडेंट एरा तक हमारा देश जो है वो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, उस समय तक भारत में मनोविज्ञान की क्या स्थिति थी। तो यहाँ हम देखते हैं कि इस समय तक भारत में जो मनोविज्ञान था उसमें वेस्टर्न साइकोलॉजी का ज़्यादा वर्चस्व था, वेस्टर्न साइकोलॉजी पे ही ज़्यादा फोकस किया गया था। जितने भी प्रोग्राम्स बनाए गए थे वो वेस्टर्न साइकोलॉजी के ही टॉपिक्स को, वेस्टर्न थॉट्स को ही इंडिया में भी पढ़ाया जा रहा था। और 1947 तक प्रयोगात्मक, मनोविश्लेषणात्मक एवं मनोवैज्ञानिक परीक्षण अनुसंधान पर ज़्यादा फोकस किया गया था। मीन्स जो फ्रायड के द्वारा जो थ्योरी दी गई थी, साइको एनालिटिकल थ्योरी, और हमारे वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट के द्वारा जो साइकोलॉजिकल टेस्ट दिए गए थे, उन्हीं को इंडिया में भी अप्लाई किया
किया जा रहा था और उसी तरह का सिलेबस भी बनाया जा रहा था। आगे हम देख लेते हैं, अब है पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा। 1960 तक भारत में मनोविज्ञान, 1947 तक का हमने देख लिया, उस समय तक भारत आज़ाद हुआ था। आज़ादी के बाद क्या हुआ, 1960 तक भारत में मनोविज्ञान, इस दौरान मनोविज्ञान की विभिन्न शाखाओं का अवतरण हुआ। भारतीय मनोवैज्ञानिकों ने वेस्टर्न साइकोलॉजी को भारतीय संदर्भ में देखने का प्रयास किया, उन्होंने वेस्टर्न थॉट्स को भारतीय परिस्थिति में समझने का प्रयास किया। मीन्स अब धीरे धीरे हमारे जो इंडियन साइकोलॉजिस्ट थे वो अब इस पर काम करने लगे कि जो वेस्टर्न थॉट्स हैं वो वेस्टर्न कंडीशन, वेस्टर्न सिचुएशन, वेस्टर्न प्रॉब्लम्स को ध्यान में रख करके बनाए गए हैं और दिए गए हैं, लेकिन हमारी इंडियन कंडीशन या इंडियन सिचुएशन वेस्टर्न सिचुएशन से बहुत अलग है। इसलिए अब हमारे इंडियन साइकोलॉजिस्ट को भी लगने लगा कि जो टेस्ट बनाए गए हैं वेस्टर्न में, जो टेस्ट साइकोलॉजिकल टेस्ट बनाए गए हैं उनको इंडियन कंडीशन के अकॉर्डिंग बनाने की ज़रूरत है, और इसके लिए उन्होंने अब काफ़ी प्रयास करना स्टार्ट कर दिया। इसके साथ ही साथ भारत में और भी इसके ब्रांचेस, जैसे हम कह सकते हैं सोशल साइकोलॉजी, सोशल इशूज़, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, इस तरह के अनेक शाखाओं का अवतरण हुआ। आगे हम देखते हैं 1970 तक भारत में मनोविज्ञान, इस दौरान क्या हुआ कि इस दौरान भारतीय मनोविज्ञान भारतीय समस्याओं पर केंद्रित अनुसंधान करने पर जोर देने लगे। इस दौरान भारत पाकिस्तान का युद्ध भी हुआ, इसमें युद्ध करते हुए बहुत सारे सोल्जर्स डिप्रेस्ड हो गए, तब मनोविज्ञान को सेना में भी लाया गया और यह प्रयोग सार्थक रहा। इस समय क्या हुआ कि अब हमारे इंडियन साइकोलॉजिस्ट ने देखा कि हम साइकोलॉजी को एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा तो रहे हैं, लेकिन इसका हमारा क्या पर्पज़ है, जब तक ये हमारे सोसाइटी को एक दिशा नहीं देता है, हमारे इंडियन कंडीशन में इंडियन सिचुएशन पर बेस्ड इशू को ये ख़त्म नहीं करता है, तब तक इसे पढ़ाए जाने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए हमारे साइकोलॉजिस्ट ने हमारे इंडिया में जो प्रॉब्लम्स चल रही थी, जैसे बहुत तरह की प्रॉब्लम्स चल रही थी, लाइक उस टाइम पे शहरीकरण हो रहा था, शहरीकरण ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा था, जॉब बढ़ रहे थे, लोग अपने गांव अपने घर को छोड़कर लोग दूसरे शहरों में जा कर के जॉब खोज रहे थे, लोग अपने जगह से एक जगह से दूसरी जगह पर रह रहे थे, परिवार जो संयुक्त परिवार थे जो वो एकल हो रहे थे, तो इस तरह की कई सारी समस्याएँ सामने आ रही थी, जिससे कि कई तरह के प्रॉब्लम्स जो हैं वो आ रहे थे। ये भी हो रहा था कि इंडिया में प्रोस्टिट्यूशन उस समय काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा था। सो इन सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए फिर हमारे इंडियन साइकोलॉजिस्ट ने इस पर स्टडी किया, इस पर रिसर्च किया और इस तरह के प्रॉब्लम के सॉल्यूशन कैसे किया जाए उसके लिए इन्होंने फिर इस पर उन्होंने काम करना स्टार्ट किया। धीरे धीरे इस तरह से इंडिया में इसका डेवलप हुआ और अब साइकोलॉजी थी वो पूरी तरह से इंडिया में रच बस चुकी थी। मीन्स इंडियन सिचुएशन, इंडियन कंडीशन के अकॉर्डिंग अब ये पढ़ाया जाने लगा स्कूलों और कॉलेजों में। इसके बाद हम देखते हैं कि इसी दौरान भारत को कई बार अपने पड़ोसी देश के साथ में युद्ध की स्थिति का भी सामना करना पड़ा, जिससे कि सोल्जर्स, हमारे जो सोल्जर्स थे, हमारी जो आर्मी थी, वो अपनी फैमिली से दूर वो बॉर्डर पे लड़ाई संघर्ष कर रही थी, लड़ाई लड़ रही थी। इस तरह काफ़ी दिन बीत जाने के बाद हमारे सोल्जर्स भी काफ़ी डिप्रेस्ड हो गए अपनी फैमिली से दूर रह के, तो उस समय फिर हमारी आर्मी में, हमारी इंडियन आर्मी में, हमारी सेना में साइकोलॉजी को लाया गया, उनकी काउंसलिंग की गई ताकि उनका फोकस जो है वो युद्ध से ना हटे और वो अपनी फैमिली को लेकर के भी वो निश्चिंत रहें। आगे हम देखते हैं 1970 के अंतिम चरण में भारत में मनोविज्ञान, यहाँ हम देखते हैं कि इस दौरान देशज मनोविज्ञान का उदय हुआ। अब मनोविज्ञान पूर्णतः भारतीय परिस्थितियों के अनुसार संदर्भित हुआ। इस दौरान भारतीय मनोविज्ञान पर आधारित उपागमों का विकास हुआ जो प्राचीन धर्म ग्रंथों से लिए गए, और अब ये विकास सतत चल रहा है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि 1970 के अंतिम समय तक अब भारत अब मनोविज्ञान जो है वो भारत के अकॉर्डिंग भारत में पूरी तरह से अब ये मिक्सअप हो चुका था, और अब हमारे इंडियन साइकोलॉजिस्ट जो थे वो हमारी इंडियन साइकोलॉजी की तरफ, अब वेस्टर्न के प्रभाव थोड़े कम होने लगे और हमारे इंडियन साइकोलॉजिस्ट खुद ही रिसर्च करके हमारे इंडियन सिचुएशन के अकॉर्डिंग में वो साइकोलॉजिकल टेस्ट बनाने लगे, और इसके साथ ही हमारे जो एंशियंट इंडिया में जो साइकोलॉजिकल थॉट्स दिए गए हैं उस पर उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया।
आगे हम देखते हैं 1980 स्वदेशीकरण। इस समय बहुत सारे मनोवैज्ञानिक समस्याओं और विचारों का अध्ययन हमारे मनोवैज्ञानिकों द्वारा किया गया। जैसे जैसे भारत में शहरीकरण बढ़ता गया, भारत जैसे जैसे विकास के पथ पर बढ़ता गया, वैसे वैसे अनेक समस्याओं का भी प्रादुर्भाव होता गया। जैसे हमने देखा, हम जैसा मैंने पहले भी बताया कि जैसे जैसे भारत जो है वो डेवलप्ड होता गया, वैसे वैसे यहाँ पे जैसे जैसे यहाँ पे शहरीकरण होता गया, लोग जॉब की तलाश में रोजगार के लिए अपने गांव छोड़ के अपने घर छोड़ के शहरों की तरफ आने लगे, वैसे वैसे कई तरह के प्रॉब्लम्स भी, कई तरह की सामाजिक समस्याएं भी हमारे सामने आने लगी। सो उनको, उन समस्याओं को दूर करने के लिए, रूट से उनको ख़त्म करने के लिए हमारे साइकोलॉजिस्ट के द्वारा प्रयास किए गए और इन समस्याओं को दूर करने के लिए अब इंडियन साइकोलॉजिकल थॉट्स का सहारा लिया गया। जैसे हमारी एंशियंट इंडियन साइकोलॉजी में, जैसा कि प्रीवियस वीडियोस में मैं पहले भी बता चुकी हूँ, भगवत गीता, बुद्धिज़्म, सूफिज़्म, इंटीग्रल योगा में किस तरह को अपने मन को कंट्रोल रखना है, किस तरह से अपने मन को डिसिप्लिन में रखना है, उसके बारे में हमें वहाँ पे बताया जाता है। इसके लिए कई तरह की चीज़ें हैं, जैसे योग के बारे में बताया गया है, आध्यात्म के बारे में बताया गया है, चिंतन और मनन, कॉन्सेंट्रेशन और मेडिटेशन के बारे में बताया गया है। तो अब हमारे साइकोलॉजिस्ट के द्वारा इन प्रविधियों को उपयोग में लाया जाने लगा और इन पर बहुत ज़्यादा रिसर्च होने लगे। सो फ्रेंड्स, ये टॉपिक थोड़ा लंबा है तो इसको मैं दो पार्ट में बनाऊंगी। ये हमारा एकेडमिक साइकोलॉजी इन इंडिया, ये हमारा पार्ट वन है। सेकेंड पार्ट में ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अगर मैं एक ही वीडियो में ये पूरे टॉपिक को मैं दूंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सो आज के लिए इतना ही। एकेडमिक साइकोलॉजी इन इंडिया पार्ट टू लेकर के मैं जल्द ही इसके लिए भी वीडियो ले आऊँगी। सो थैंक यू सो मच।